प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय सह आचार्य प्राणिशास्त्र विभाग राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछला व्याख्यान अपना मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन पर था। उसके पांच चरण अपन ने दो व्याख्यानों में पूरे किए थे। आज का व्याख्यान अपना सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन का महत्व पर रहेगा। मोटे तौर पर अध्ययन करने के बाद में आप स्वयं भी इसके महत्व को समझ गए होंगे, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से एक बार आपको पुनः स्मरण करा देता हूँ और पीडीएफ के रूप में मैं आपके समक्ष व्हाट्सएप में ये पूरा जो मैं बोलूँगा वो लिखा हुआ भी आपको उपलब्ध कराऊँगा। सबसे पहला महत्व है फर्टिलाइजेशन, इस निषेचन क्रिया के द्वारा दो प्राकेंद्रक का मिलन होता है अर्थात मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, उनका फ्यूजन होता है। हमें दोनों बारे में मालूम है कि वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं अर्थात एन होते हैं, और ये जब दोनों मिलते हैं तो 2N बनाते हैं, यानी डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ जाइगोट इज रिस्टोर्ड, पुनः प्राप्त करता है जाइगोट 2N। अगर मनुष्य का उदाहरण ले तो एक जो शुक्राणु से जो केंद्रक मिला है उसमें 23 क्रोमोसोम्स है, और जो मादा से शुक्राणु मिला वो प्रो न्यूक्लियस मिला है उसमें 23 है, दोनों को मिलकर दोनों 46 क्रोमोसोम जो एक सामान्य मनुष्य के कोशिका में पाए जाते हैं उतने पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो अर्थात इस क्रिया द्वारा डिप्लॉयड कंडीशन वापस रिस्टोर कर ली जाती है। सबसे मुख्य पॉइंट ये है। दूसरा, इन दोनों के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ जाइगोट के बनने में दिया जाता है अर्थात दोनों मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर्स गुण प्राप्त होते हैं, और ये जब फ्यूजन होता है इनके जेनेटिक मटेरियल का तो वेरिएशन प्राप्त विविधता अपने को देखने को मिलती है। वो हूबहू एक जैसे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई भिन्नता होती है जिसे हम वेरिएशन या विविधता कहते हैं, और यही वेरिएशन और विविधता उद्विकास में सहायक होती है। अंग्रेजी में कहे तो दीज वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, यानी नई जाति का निर्माण धीरे धीरे इन वेरिएशंस की सहायता से ही, विविधताओं की सहायता से ही होता है। तीसरा अगर मैं बात करूं, द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन सामान्यतः हमने पढ़ा है कॉर्टिकल रिएक्शंस, उस कॉर्टिकल रिएक्शंस के द्वारा बाहर की ओर एक सख्त फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, और कईयों में जो जोना पेलेसुडा है वो सख्त रूप धारण कर लेता है, हार्डनिंग ऑफ जोना पेलेसुडा। ये सब क्यों किया जाता है? जैसे ही एक शुक्राणु अंदर अंडे के अंदर प्रवेश कर लेता है तो तुरंत ये कॉर्टिकल रिएक्शंस के द्वारा ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या हार्डनिंग होती है। ये इसलिए होती है कि वे दूसरे शुक्राणु के प्रवेश को रोके, अर्थात पॉलीस्पर्मी, एक से अधिक स्पर्म द्वारा निषेचित करने वाले कंडीशन को पॉलीस्पर्मी कहते हैं, उस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। चौथा पॉइंट, फर्टिलाइजेशन के दौरान में जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है इस अंडे का परिपक्व
होने की क्रिया शुरू हो जाती है। हम सबको मालूम है कि अंडा जब ओवरी से रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में होता है। अभी उसमें द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होना बाकी है, तो जैसे ही ये शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा उस सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर इसका मैच्यूरेशन का कार्य शुरू हो जाता है, अर्थात ये ओटेड और सेकेंड पोलर बॉडी के रूप में असामान्य रूप से विभाजित होता है। पांचवा पॉइंट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी है वो इस दौरान में बहुत अधिक बढ़ जाती है, अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। छठा है, जो कॉपुलेशन पाथ होता है वो जाइगोट के क्लीवेज को डिसाइड करता है। कॉपुलेशन पाथ कैसे कहते हैं? कॉपुलेशन पाथ वो पथ होता है जो शुक्राणु का केंद्रक अंडे के प्राकेंद्रक से मिलने के लिए रास्ता तय करता है, उसे कॉपुलेशन पथ कहते हैं। तो ये जो पथ होता है कॉपुलेशन वाला, यही क्लीवेज की विदलन की एक्सिस को तय करता है। सातवां पॉइंट है, ये जब जायगोट फॉर्मेशन होता है, ये दो प्राकेंद्रक आपस में मिलते हैं, उसी समय उस भ्रूण के लिंग का निर्धारण हो जाता है, अर्थात द सेक्स ऑफ यंग वन इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, कि आगे चलकर नर बनेगा या मादा। आठवां पॉइंट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन से स्थान पर फर्टिलाइजेशन होता है वो हम सबको ज्ञात है, एम्प्यूला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। नौवां पॉइंट है, हम सबको ज्ञात है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशन अंडा रिलीज 14वें दिन पर होता है रज चक्र में। ये अंडा एम्प्यूला रीजन में आने के बाद में 48 घंटे तक ये सक्रिय रहता है निषेचन के लिए। अगर 48 घंटे के अंदर शुक्राणु द्वारा निषेचित कर दिया जाए तो विदलन के द्वारा आगे इसके परिवर्धन का कार्य शुरू हो जाता है। अगर 48 घंटे के दौरान इसमें निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरी पॉइंट, दसवां पॉइंट है, ये निषेचन के द्वारा ये जो अंडे और शुक्राणु थे ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट विभिन्न समसूत्रीय विभाजनों द्वारा एक नया जीव निर्मित करता है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको इसके फर्टिलाइजेशन के महत्व के दिए हैं। अगर अपन ने पूर्व के व्याख्यानों को ध्यान से सुना है तो निश्चित रूप से आप सबको ये पहले से स्मरण था, एक बार पुनः आप सबको लिखने की दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से मैंने ये आज महत्व बताए हैं, और इसका PDF मैं अभी WhatsApp ग्रुप में डालूँगा। आज फर्टिलाइजेशन का ये टॉपिक अपना पूरा होता है। आज मैं आपको असाइनमेंट के रूप में प्रश्न भी दूँगा। मैं आशा करूँगा कि आप निश्चित रूप से इन सभी व्याख्यानों को सुनकर उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।